तो भाई लोग, अब हम आ चुके हैं लाइट रूम में। यहाँ पर ये वीडियो हम एडिट कर रही हूँ। बस यहाँ से हम पहले इसकी एक्सपोजर थोड़ा कम करेंगे, हाइलाइट्स को 60 तक रखेंगे, फिर शैडो को इंक्रीज करते, फिर वाइट्स को कम और ब्लैक को बढ़ाते, अब फेस को देखने वाले। अब फेस टोन के लिए कलर टूल में जाएगी, फिर मिक्स टूल ग्रीन कलर सिलेक्ट करेगी, उसकी व्यू करेगी -100, सिचुएशन बढ़ाएगी, फिर येलो कलर सिलेक्ट करेगी, इसकी व्यू करेगी। अब सिचुएशन को प्लस करेगी और इसकी लुमिनस बढ़ाएगी। इतना करने के बाद ऑरेंज कलर को सिलेक्ट करेगी, इसकी लुमिनस हम बढ़ाएगी और सिचुएशन को माइनस करेगी। रेड कलर सिलेक्ट करेगी, इसका सिचुएशन माइनस करेगी, लुमिनस बढ़ाएगी। अब देखो तो अब बारी है ब्लू टोन की, तो इसको ब्लू कलर को सिलेक्ट किया, यू 52, सिचुएशन को रखते हम 30 तक, फिर सियान कलर इसको भी 30 और इसको रखते 20, फिर ये पर्पल कलर सिलेक्ट करते, इसकी लुमिनस हम बढ़ाते हैं, इसकी लुमिनस हम बढ़ाते हैं। इतना करने के बाद यहाँ से कर लीजिए डन। अब जाएगी ग्रीडिंग वाले ऑप्शन में, यहाँ से थोड़ा लैग हो रहा है मोबाइल, इसको इतना रखेंगे, फिर नेक्स्ट इसको भी इतना रखेंगे, फिर इस कलर को सिलेक्ट करेंगे, इसको ले जाएंगे यहाँ या डन कर लेंगे। इसकी टेम्परेचर में माइनस करके टेम्परेचर टिंट को बढ़ाएगी, वाइब्रेंस को भी बढ़ाएगी और सिचुएशन को करेगी माइनस। फिर इफेक्ट टूल में जाएगी और विकनेट को करेगी अपने हिसाब से, विकनेट ही रख लेना। अब इतना करने के बाद देख लो बिफोर आफ्टर, और यहाँ से कर लेगी सेव।